नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया ब्रेड्स में तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बिजनेसेस के सिलसिले में। जो लोग जॉब्स से सेटिस्फाई नहीं है या कुछ जो लोग अपने खुद का काम इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में दो प्रकार के होते हैं, होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। तो दो प्रकार के बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में अगर हम बात करते हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट होता है अगर हम बात करें, और ऑफलाइन क्या होता है, ईजी टू रिटेन लोकल कस्टमर। यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन में जो बात करते हैं कि जो कस्टमर को लाना थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ से लोग जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो लोग कस्टमर्स हैं वो लोग वहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यहाँ पे लोगों का ट्रैफिक यानी कि कस्टमर का ट्रैफिक भी बहुत ही अच्छा खासा आता है। इसकी वजह से यहाँ पे करोड़ों और मिलियंस में सेल होती है। लेकिन अगर आप खुद कोई वेबसाइट खोलते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कस्टमर्स को लाना और वो आपके आपके वेबसाइट्स की डिज़ाइन से ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो, उसके बाद वो आपसे परचेज करें, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर वर्चुअल सपोर्ट, यहाँ पे जो आप दे सकते हैं ऑनलाइन में आप वर्चुअल सपोर्ट दे सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में फिजिकल सपोर्ट उसे दे सकते हैं, यानी कि वो आपसे डायरेक्ट मिल सकता है, बात कर सकता है। जबकि यहाँ पे आपको वर्चुअल सपोर्ट, उसने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा या जो आपके फॉर्मेट का फॉर्म है उसने सबमिट किया, और जो प्रोडक्ट चाहिए वो उसने जो है उसमें टिक मार्क लगाया और उसको ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट किया, और आपके पास वो क्या क्या रिक्वायरमेंट आ गई। कॉस्ट ऑफ सेटअप, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्चुअल, यहाँ पे ऑनलाइन दुनिया में, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेटअप में सिर्फ आपको लैपटॉप, पीसी या मोबाइल फ़ोन ही चाहिए होता है ट्रेडिंग के लिए जनरली। जबकि अगर ऑफलाइन के बारे में बात करें तो ऑफलाइन में आपको इन्वेंट्री, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेटअप बहुत ही ज़्यादा हाई होती है क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, शॉप का एक्सपेंसेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वहाँ का जो हाउस का हाउस टैक्स के एक्सपेंसेस, वाटर टैक्स के एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आपको देने पड़ते हैं। इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री बहुत ही कम रखनी पड़ती है, या जहाँ से आपका कॉम्बिनेशन हुआ या जहाँ से आपने टाइप किया है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे परचेस करके आप कस्टमर को डिलीवरी दे सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है, कस्टमर आपके सामने होता है और उसे तुरंत ही चाहिए होता है मटीरियल, इसकी वजह से आपको ट्रेंडिंग या जो आपसे रिलेटेड आइटम्स हैं उनको आपको रखना स्टॉक पे पड़ता है, उसमें इन्वेंट्री का एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए वो आइटम नहीं सेल हुआ और उसका अगर बात करें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर की बात करें तो वो निकल गई, ठीक है, और डेट ऑफ